हाय एवरीवन, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सभी बहन भाइयों के लिए राम राम। फ्रेंड, आज जो हम आपके लिए दिखा रहे हैं वह पान वाला पौधा है जो लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। पान का पौधा आप अपने घर में किस जगह रखें, कहां पर रखें और इसकी क्या देखभाल है। फ्रेंड, वीडियो पूरी देखें, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करें। जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पान का पौधा आपको शुक्ल पक्ष में लेना चाहिए और इसे उत्तर या पूर्व में रखना चाहिए। इसमें पानी कम डालना चाहिए। दूसरी बात यह है, इसमें जो एक मौष्टिक घास आती है आप उसके अंदर लगा दें, उस पर यह हमारा पान का जो बेल है वह खूब आसानी से चल जाएगी और यह बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। का पौधे की हम आपके लिए जो विशेषता है वह बताएंगे। पान का पौधा जब भी आपको लक्ष्मी के लिए चाहिए तो आप इसे मांग कर तोड़ना है, हमको पान एक पत्ता दे दो और हमें लक्ष्मी पे यूज करना है। पान का पत्ता ऐसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं सीजन फ्लावर की, पिटोनिया का पौधा। पिटोनिया एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फूल आने वाला पौधा है। नवंबर से लेके हमारा अप्रैल और मई तक खूब फूल देता है। पिटोनिया का पौधा आप अपने गमले में ज़रूर लगाएं। जितनी आप जल्दी पिटोनिया का पौधा लगा लेंगे अपने गमले में उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप सीजन ऑफ पर पिटोनिया का पौधा लगाएंगे तो वह हमारा फूल कम देगा और फूल खिलने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। जो इसकी मेन विशेषता है, जब इसका फूल ख़राब हो जाता है, खिलने के बाद गल जाता है, उसे आप हाथ से छुटा दें। अगर आप एक चीज़ हाथ से छुटाएंगे तो इसमें हज़ारों फूल आते रहेंगे। अब मेरा जो नेक्स्ट पौधा है डेंटस प्लांट का पौधा। ये डेंटस भी फ्लोरिंग प्लांट है, सीजन फ्लावर का पौधा है। यह भी मई जून तक खूब फूल देता है। इसमें आपको ध्यान रहे, पानी की मात्रा जब भी डालें पेड़ों के ऊपर नहीं डालना चाहिए। अब मेरा जो नेक्स्ट पौधा आने वाला है वह एक समी पात्र का पौधा है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जिन बहन भाइयों के यहाँ पर समी का पौधा नहीं लग रहा वह एक समी का पौधा जरूर लगाएं। समी का पौधा आपको मैं बार बार कहता हूँ शुक्ल पक्ष में लेना चाहिए और उसे निकलते हुए दाहिनी तरफ रखना चाहिए। जब आप अपने घर से निकलती हैं तो दाहिनी तरफ होना चाहिए। नीचे से जगह नहीं है तो आप ऊपर भी इसे रख सकते हैं। अब इसके शनिवार को दीपक तेल का जलता है और दशहरा बाद दिन इसकी पूजा होती है। तो समी पात्र का पौधा बहुत ही सुख समृद्धि धन की वृद्धि करने वाला होता है। अब बात करते हैं सुख शांति की पौधे की। यह एक पौधा सुख शांति का दूसरी किस्म का पौधा है। यह भी अच्छा है, इस पर नीले रंग का फूल आता है। जब भी आप लगाएं तो सुख शांति का पौधा भी शुक्ल पक्ष में लेना चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड, जब भी आपके घर में सुख शांति का पौधा लगाते हैं या लगा हुआ है तो इसमें से किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे ही हम एक समी पात्र का पौधा नहीं देते, ऐसे ही इस पौधे को नहीं देना चाहिए। अगर आप देते हैं तो हमारे घर में से लक्ष्मी का वास कम होता है। तो फ्रेंड, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करें, वीडियो पूरी देखें। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरी पिछली वाली लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका पौधा ख़राब होता हो या कैसा, यह एक पौधा देखो हम दिखा रहे हैं आपको, लैला मजनू का पौधा होता है, यानी जिसे लाल ऊपर से एवन ग्रीन होता है। आप देख रहे हैं मेरा गेंदा क्रिसमस ट्री का पौधा। यह क्रिसमस ट्री प्योर ओरिजिनल है। आपको ध्यान रहे, जो चार पत्ती और पाँच पत्ती वाली होती है वह क्रिसमस ट्री ओरिजिनल होनी चाहिए। यह क्रोटन डेंटस, यह हमारे एरीपाम का पौधा है। यह बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। तो फ्रेंड, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी गार्डन। तब तक के लिए भाई वंदे मातरम।